हे गाइस, वेलकम बैक। इसमें हम देखेंगे लर्न ग्रामर विद एमसीक्यूज़ का सेट 2। ऑलरेडी हम सेट 1 ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो वीडियो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे लिंक। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखो यहाँ पे, इट इज़ रेनिंग सिंस द मॉर्निंग। अब देखो मैं आपको इजीली बताऊँ तो सेंटेंस में जब भी देखना सिंस है तो समझ जाना सेंटेंस का टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। उसका मतलब क्या है कि हैज हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का ing फॉर्म होना चाहिए। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखो चेक करो कहाँ पे है ये वाला फॉर्मेट। देखो यहाँ दिख रहा है इट हैज बिन रेनिंग, यहाँ पे दिख रहा है वो फॉर्मेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो इसका आंसर यही है, इट इज रेनिंग की जगह पे ये यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इट हैज बिन रेनिंग सिंस द मॉर्निंग। ग्रामर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिंस के बाद जब पॉइंट ऑफ टाइम आता है, दी मॉर्निंग क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब उस मॉर्निंग के बारे में बात किया जा रहा है। तो जब भी सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। लेकिन इजीली मैं आपको बताया कि सिंस अगर सेंटेंस में देखोगे तो हमेशा आपको हैव हैज बिन देखना, वहां पे ढूंढना है, ठीक है। हैज बिन वी वर्ब का एनजी फॉर्म या हैव बिन वर्ब का एनजी फॉर्म वहां पे आपको ढूंढना है। देखो नेक्स्ट, देखो वी रिफ्यूज देम एडमिशन। यहाँ पे क्या बता रहा है, हमने क्या किया एडमिशन, उन्हें उन्हें हमने एडमिशन मना कर दिया, मतलब हमने मना कर दिया एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ पे वही बता रहा है। तो रेफ्यूज़ का मतलब क्या होता है दोस्तों, मना करना। अब यहाँ पे चार तीन एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, देखो डिनाई, रेपुडिएटेड और डिक्लाइंड, ये तीनों का मीनिंग क्या है समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि आंसर एक्चुअली क्या होना चाहिए। डिनाइड का मतलब क्या होता है, डिनाइड का मतलब होता है दोस्तों मना करना, ठीक है। रेफ्यूज़ और डिनाई में ये डिफरेंस है कि रेफ्यूज़ का मतलब होता है कि कोई आपको एक बात बता रहा है, आप आपको लग रहा है कि वो सच नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, आप उसको बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं नहीं मानता ये सच नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे डिनाई कर रहे हो। रेफ्यूज़ का मतलब क्या होता है कि कोई आपको किस कुछ चीज़ दे रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा चॉकलेट, आप मना कर रहे हो, तो आप कहाँ वहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ पर आप रेफ्यूज़ कर रहे हो। तो देखो दोनों में डिफरेंस है, डिनाई में और रेफ्यूज़ में डिफरेंस है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज़ को, मतलब कोई लेवल को नीचे कर देना, ठीक है। एक्चुअली डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। इनक्लाइन इसका उल्टा क्या है, ऑपोजिट वर्ड है इनक्लाइन, मतलब ऊपर की तरफ जाना। जैसे ग्राफ डिक्लाइन हो रहा है उसका मतलब क्या है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब उसका लेवल कम होता जा रहा है, डिक्लाइन का मतलब वो होता है यहाँ पे। रेपुडिएटेड का मतलब क्या है, रेपुडिएटेड का मतलब दोस्तों जो सच नहीं है, ठीक है, मतलब आपको आपको ऐसा बताया जा रहा है जो कि सच नहीं है, उसको हम बोलते हैं रेपुडिएटेड। जो सच नहीं है उसको बताने को हम बोलते हैं रेपुडिएट। एक्चुअली जो रेपुडिएटेड, डिएट से रेपुडिएटेड बना हुआ है, तो रेपुडिएट का मतलब क्या है, जो सच नहीं है उसको बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर आंसर रेफ्यूज ही होगा। तो आंसर इसका नो इम्प्रूवमेंट है, मतलब ये रेफ्यूज यहाँ पे बिल्कुल सही यूज है। नेक्स्ट देखो, ए मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स वांट द मर्जर। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया है, तो हमको इसी को हमको चेंज करना है, देखना है ये चेंज, मतलब इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे वांट है वर्ब, यहाँ पे वर्ब प्लूरल फॉर्म में है, तो हम चेक करेंगे कि इसका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है कि नहीं। मेजोरिटी, तो मेजोरिटी के बारे में बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे उसके हिसाब से वांट सही है। बाकी दी मर्जर यहाँ पे बिल्कुल सही है, इसमें हम कुछ मतलब हम यहाँ पे छेड़खानी नहीं कर सकते, हम सब्जेक्ट वर्ब प्रिपोजिशन एडवर्ब ये सारी चीज़ें में छेड़खानी कर सकते हैं दोस्तों, उसी में कभी भी एरर होता है, ये चीज़ों में कभी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन वांट्स दिया हुआ है, वांट्स नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल सिंगुलर होने से ही यहाँ पे वांट्स होता है, अदरवाइज वांट्स नहीं होगा। हैव आएगा ही नहीं यहाँ पे, हैव प्लस V3 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पे नॉर्मली बात किया जा रहा है। एक आर वांटिंग यहाँ पे ये सब का कोई टेंस का यूज नहीं है, तो तीनों एलिमिनेट हो गया। तो इसका आंसर क्या है, नो इम्प्रूवमेंट, वांट द मर्जर बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, आई कैनॉट डू दिस वर्क आज इट इज अंडर माई डिग्निटी। डिग्निटी मतलब जो मेरा, मतलब जो लेवल है, ठीक है। माई डिग्निटी मतलब जो मेरा रेस्पेक्ट या मेरा जो गौरव बोल सकते हैं हम जिसे, या मेरा जो मैंने औकात आप जिसे बोल सकते हैं, नॉर्मली जो बोलते हैं हम, तो मेरा औकात से नीचे है। मैं ऐसे मगर इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा औकात से नीचे है।
तो दोस्तों जब भी हम औकात से नीचे के बारे में बात करते हैं तो हम लेवल नीचे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अंडर कभी जी भी लेवल के लेवल को नहीं बताता है, अंडर बताता है वर्टिकल पोजीशन को। जैसे मतलब अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे, इसका मतलब होता है अंडर। लेकिन यहाँ पे हम लेवल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अंडर की जगह पे बिलो यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? बिलो। तो बिलो माई डिग्निटी बोलना सही है, ना कि अंडर माई डिग्निटी। अंडर पोजीशन बताता है, बिलो बताता है लेवल, ठीक है। अबाउट मतलब अब जब हम बिलो बोलते हैं तो हम लेवल को नीचे के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी लेवल में नीचे के बारे में बात कर रहे हैं। अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे, तो यहाँ पे डिग्निटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंडर की जगह पे बिलो यूज होगा। तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका आंसर है, बिलो माई डिग्निटी। यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट देखो, ग्रीफ डिस्ग्यूज्ड इज ऑलमोस्ट पोटेंट देन ग्रीफ एक्सप्रेस्ड। देन है कंपेरेटिव, हो यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है किसमें, पोटेंट और ग्रीफ में। तो यहाँ पे जब कंपेरिजन हो रहा है दोस्तों तो ऑलमोस्ट हम कभी भी यूज नहीं करेंगे, ये सुपरलेटिव में चला जाता है। तो हम क्या यूज करते हैं? देन के साथ मोर देन हम यूज करते हैं, मोर के साथ देन यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट की जगह पे यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, मोर पोटेंट। यहाँ पे ऑलमोस्ट पोटेंट है क्वेश्चन में, ऑप्शन बी में है मोर पोटेंट। तो आंसर क्या होगा? मोर पोटेंट। यहाँ पे मोर पोटेंट देन ग्रीफ एक्सप्रेस्ड, क्योंकि यहाँ पे देन है कंपेरिजन में, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री में है। तो हम यहाँ पे पोटेंट से पहले मोर यूज करेंगे, ना कि ऑलमोस्ट। समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ए नॉटी स्टूडेंट इज ऑफन टेकन टू टास्क फॉर बींग इन्वॉल्व इन ऑल टाइप्स ऑफ मिसचीव्स। तो यहाँ पे गलत क्या है? देखो यहाँ पे गलत है दोस्तों टेकन टू टास्क। ये जो टेकन टू टास्क है ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है दोस्तों किसी चीज के लिए किसी इंसान को निंदा करना। यहाँ पे निंदा करने की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसने मिस्चीफ किया है तो उसको सजा देने की बात किया जा रहा है। एक नॉटी स्टूडेंट है जो मिस्चीफ, कभी कभी मिस्चीफ गलतियां करता है, बदमाशी करता है, तो उसको सजा देने की बात किया जा रहा है, उसको सजा दिया जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेकन टू टास्क इडियम की जगह पे यहाँ पे यूज किया जाएगा दोस्तों ब्रॉट टू बुक हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ब्रिंग टू बुक ये एक इडियम है, तो ब्रॉट हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में सेंटेंस को बताया जा रहा है। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है, ब्रॉट टू बुक का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी को गलती किया है तो उसका उसको सजा देने को हम बोलते हैं ब्रॉट टू बुक। तो यहाँ पे टेकन टू टास्क की जगह पे कौन सा इडियम यूज होना चाहिए दोस्तों? ब्रॉट टू बुक यहाँ पे यूज होना चाहिए, तब जाके ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एट माई अराइवल इन दिल्ली आई वेंट स्ट्रेट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को पढ़ने से हमको फीलिंग क्या आ रहा है? ऐसा लग रहा है कि जब मतलब दिल्ली पहुंचने के बाद मैं सीधा पास वाले हॉस्पिटल चले गया। तो दिल्ली पहुंचने के बाद तो उस चीज के लिए यहाँ पे हम, जब मैं हिंदी में बोला दिल्ली पहुंचने के बाद, ये हमको लग रहा है सेंटेंस है, लेकिन उस हिसाब से सेंटेंस यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे एट दे दिया है जो कि गलत है। तो दिल्ली पहुंचने के बाद अगर हम इंग्लिश में इसको सही करेंगे तो यहाँ पे एट के जगह पे क्या आना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे आना चाहिए आफ्टर। आफ्टर माई अराइवल इन दिल्ली मतलब दिल्ली में पहुंचने के बाद मैं सीधा नियरेस्ट हॉस्पिटल चले गया। तो यहाँ पे एट के जगह पे क्या यूज होना चाहिए? आफ्टर यूज होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटेंस का मीनिंग से हम मतलब सेंटेंस पढ़ने से हमको लग जाएगा, पता चल जाएगा कि सेंटेंस गलत मीनिंग में दिया हुआ है, ठीक है, तब हम इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आई आंसर द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड। कभी भी याद रखो दोस्तों, दो आज के बीच में कब हमेशा पॉजिटिव डिग्री यूज किया आता है, पॉजिटिव डिग्री। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या है? गुड बोल सकते हैं या तो वेल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आज गुड आज हम यूज कर सकते हैं, वेल भी यूज कर सकते हैं। तो आई आंसर द क्वेश्चंस एज वेल एज आई कुड। तो यहाँ पे बेस्ट की जगह पे हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? वेल यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेल पॉजिटिव डिग्री है। दो आज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, ना कि कंपेरेटिव डिग्री, ना कि सुपरलेटिव डिग्री, हमेशा याद रखो। दो आज के बीच में, और एक एक्स्ट्रा रूल आपको बता रहा हूं, आज के बाद या सो के बाद या कंपेरेटिवली या रिलेटिवली, इसके बाद हमेशा क्या आता है दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री आता है, हमेशा याद रखो, ये रूल आप थोड़ा याद रख लो, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, इट टुक मी ऑलमोस्ट ए आवर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अब बताओ वीडियो को पॉज करके यहाँ पे एरर कहाँ पे है। देखो आवर क्या है दोस्तों, आवर का साउंड जो स्टार्टिंग होता है ये क्या है, वोवल साउंड है। वोवल साउंड से पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं दोस्तों, एन यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो ए यूज करके उसने दिया हुआ है, ये क्या होगा, यहाँ पे ए की जगह पे एन होगा, ठीक है। तो गलती यहाँ पे है, तो एन आवर बोला जाता है ना कि ए आवर, ठीक है। क्योंकि आवर जो वर्ड बोलते हैं उसका उच्चारण जो होता है, साउंड निकलता है उसका, वो है वॉयल साउंड, स्टार्टिंग वाला आ निकलता है स्टार्टिंग में। नेक्स्ट देखो, ही हैज अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाय डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क। तो बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है दम पे, उसके दम पे, किसके दम पे, हार्ड वर्क के दम पे उसने सक्सेस हासिल किया। तो यहाँ पे हीज लगाने की जरूरत नहीं है, बाय डिंट ऑफ ये एक है फ्रेज, ठीक है। तो इसके बाद कभी भी हीज हर ये सब नहीं आएगा। बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क का मतलब हार्ड वर्क के दम पे उसने सक्सेस अचीव किया। किसने सक्सेस अचीव किया, उसने सक्सेस अचीव किया लाइफ में, किस में, हार्ड वर्क के दम पे, खत्म कहानी। यहाँ पे हीज हर लगाना गलत हो जाता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसने ऐड कर दिया जो कि जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम बाय डिंट ऑफ मतलब लगा देते हैं तो वहां पे हीज हर लगाने जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, रिटर्न बैक, रिटर्न के बाद हमेशा बैक दे देगा, वो एक्स्ट्रा वो ऐड कर देता है। रिटर्न का मतलब होता है कम बैक, तो बैक ऑलरेडी है उसमें, तो एक्स्ट्रा उसमें यूज करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बाय डिंट ऑफ के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी हीज है, तो इसमें एक्स्ट्रा हीज करने यूज करने की जरूरत नहीं है हमको, वहां पे वो गलत करके दे देता है। नेक्स्ट देखो, द एक्सीडेंट वाज एवर्टेड। एवर्टेड का मतलब क्या है दोस्तों, साइड हो जाना, मतलब बच जाना, ठीक है। द एक्सीडेंट वाज एवर्टेड एज द ड्राइवर ब्रॉट हिज कार टू ए सडन स्टॉप। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छे सेंटेंस को पढ़ो। हम देखो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, द एक्सीडेंट वाज एवर्टेड एज द ड्राइवर ब्रॉट हिज कार टू ए सडन स्टॉप। तो सब कुछ देखने के बाद, यहाँ पे रूल हिसाब से देखने के बाद यहाँ पे कुछ भी एरर नजर नहीं आ रहा है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर इसका आंसर है। अब देखो यहाँ पे एरर क्या दे सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो सडन स्टॉप लिखा हुआ है ये सडनली बना देंगे इन लोग, ठीक है। एग्जामिनर क्या करेगा, सडनली स्टॉप बना देगा। अब सडनली एक एडवर्ब है, अब स्टॉप के बारे में जो बता रहा है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है, नॉर्मल होना चाहिए। तो सडन स्टॉप मतलब अचानक रुक गए, ठीक है। ड्राइवर ब्रॉट हिज कार टू ए सडन स्टॉप मतलब वो बिल्कुल मतलब अचानक से स्टॉप करने के कारण वो एक्सीडेंट से उन लोग बच गए। तो यहाँ पे वो सडनली लगा देगा अगर इसको गलत किया एग्जामिनर। सडनली एडवर्ब है, यहाँ पे एडवर्ब बिल्कुल यूज नहीं होगा, यहाँ पे सडन ही यूज होगा, ठीक है। तो ऐसे छोटा छोटा मिस्टेक यहाँ पे कर सकता है, या तो यहाँ पे ये जो वाच को वेयर कर देगा, कुछ मतलब ऐसे ही छोटे मोटे चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम में बस एग्जामिनर वही करेगा और कुछ नहीं। नो एरर, ये सेंटेंस कुछ भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, द टीचर रिव्यूड एंड करेक्टेड द आंसर इन ए सिस्टमेटिकल वे। अब देखो वे क्या है, एक रास्ता है, मतलब जिस तरीके से वो कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, इसके पहले जो वर्ड यूज किया गया है वो एक एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये नाउन है, ठीक है। ये जो वे है मतलब रास्ता, ये रास्ता मतलब हम जिस रास्ते पे चलते वो रास्ता नहीं है, ये तरीका, हम जो ये वे जो यूज किया गया है ये तरीका के लिए यूज किया गया, किस तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से हम वो पेपर को करेक्शन किया है, किसने, टीचर ने। तो यहाँ पे जो सिस्टमैटिकल है ये एडजेक्टिव नहीं है दोस्तों, ये सिस्टम का, सिस्टमैटिकल गलत होता है। सिस्टम का एडजेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। तो वे नाउन है, नाउन से पहले नाउन का विशेषता जो बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पे एडजेक्टिव सिस्टमैटिक सही है ना कि सिस्टमैटिकल। देखो ठीक है, ये सब देखो, ये खुद से करना बहुत ईजी है लेकिन एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, एनर्जी लगता है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप आराम से बैठ के सुनो ईयरफोन लगा के बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व किया करो, बट बस उतना ही जरूरत है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, द डॉक्टर वाज एकम्पानीड विद द नर्स यस्टरडे। एकम्पानी के बाद, ये प्रीपोजिशन चार्ट रिलेटेड एरर है, एकम्पानी के बाद हमेशा बाई आता है ना कि विथ। विथ गलत है, एकम्पानी बाई मतलब क्या होता है दोस्तों, उसके साथ। डॉक्टर वाज एकम्पानीड बाई द नर्स मतलब नर्स ने डॉक्टर का साथ दिया है, तभी हम उसको बोलेंगे एकम्पानीड बाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई आर यू सो एंग्री। अब देखो ये छोटा छोटा आपको लग रहा है लेकिन एग्जाम में इसी टाइप के
मतलब एरर आ जाएगा और तब आपको याद आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को कभी इग्नोर ना किया करो। वाई आर यू सो एंग्री वेन माई ऑफिसर हैज नो ऑब्जेक्शन ऑन माई कमिंग लेट। ये भी प्रीपोजिशन रिलेटेड एरर है, चार्ट रिलेटेड। ऑब्जेक्शन के बाद हमेशा क्या आता है, टू आता है। हमको ये याद रखना है, बस रट लेना है, ठीक है। अभी ये चीज़ मैंने रटा हुआ है, ये चीज़ मेरे को याद है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, अगर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँ तो आपको बता सकता हूँ, ज़्यादा डीप में वो मेरे को भी नहीं पता है, क्योंकि मैं ग्रामरिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैंने किताब लिखा नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, जिस हिसाब से मैंने एग्जाम क्लियर किया हुआ उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप ये क्वेश्चंस आंसर्स छोटे छोटे याद रखते जाओ, ठीक है। छोटे छोटे रूल बस रटते जाओ, याद रखते जाओ, यही रूल काम आएंगे। ऑब्जेक्शन के बाद टू, यहाँ पे टू क्यों है, देखो। व्हेन माय ऑफिसर, व्हाई आर यू सो एंग्री, तुम इतना गुस्सा क्यों हो, जब मेरा ऑफिसर मेरे लेट आने पर गुस्सा नहीं है, ठीक है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मेरे लेट आने पर। तो जब हम पर यूज कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑन के जगह पे वहाँ पे हम टू यूज कर रहे हैं, जो कि सही है, टू ना कि ऑन यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं हिंदी में अगर मीनिंग आपको बताऊं तो इसके हिसाब से ये ऐसा होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो, यू पेड नो हीड टू माई एडवाइस, डिडेंट यू। तो ये सेंटेंस क्या है, देखो, क्वेश्चन टैग रिलेटेड एरर है। क्वेश्चन टैग वाला मैंने मैं क्या बताया था, अगर पहला क्लॉज में, मतलब ये क्वेश्चन टैग, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग फ्रेज, ये होता है पहला फ्रेज, फर्स्ट फ्रेज। अगर फर्स्ट फ्रेज में नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव नहीं रहेगा, अगर पहला फ्रेज में पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग में नेगेटिव रहेगा। तो पहला में नो है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव उसने यूज करके दिया हुआ है, देखो, डिड नॉट यूज करके दिया हुआ है, तो ये डिड नॉट क्या बन जाएगा, डिड बन जाएगा। तो ये क्या होगा, यू पेड नो हीड टू माई एडवाइस, यहाँ तक सही है। डिड यू, इसके बाद क्या आएगा, डिड यू, ना कि डिडेंट यू, ठीक है। तो यहाँ पे उसने नॉट यूज कर दिया, जो कि यूज नहीं करना चाहिए था, तो यहाँ पे डिडेंट के जगह पे यहाँ पे सिर्फ डिड होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आप सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, और एक एक क्वेश्चन के साथ एक एक रूल आई हाँ, मतलब आप अच्छे से समझा करो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे समझ के आप उसको बस याद रख लो। जैसे ये छोटे छोटे चीज है, जैसे एकम्पनेट के बाद बाई, इसको रट लिया करो, ऑब्जेक्शन के बाद टू, इसको रट लिया करो, इसका और कोई तोड़ नहीं है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। अब ये जो है यहाँ पे समझने वाला है, यहाँ पे मैंने आपको इसका रूल बताया है कि यहाँ पे मतलब क्वेश्चन टैग में इसमें पॉजिटिव होने से इसमें नेगेटिव रहता है, और इसमें नेगेटिव होने से इसमें पॉजिटिव रहता है, ये इसका रूल है, ठीक है। और जो प्रिपोजिशन चार्ट जिसमें आता है उसको सिंपली रट लिया करो। अब ये छोटा छोटा है, आप रटते रटते बहुत सारा लास्ट में जमा हो जाएगा प्रिपोजिशन चार्ट। सो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।